हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंसर्शन सॉर्ट, और इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इंसर्शन सॉर्ट को मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपके माइंड से कभी वो जाएगा ही नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में, अगर हमारे पास रैंडम एरे दिया हुआ है, मतलब हमारे पास रैंडम एलिमेंट्स दिए हुए हैं एरे में, उसको मुझे सॉर्ट करके यूज करना है। तो ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो है वन ऑफ द मेजरली यूज्ड एल्गोरिदम है। क्यों है ये, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में जब हम जाएंगे तब आपको पता लगेगा। पहले हम बात करते हैं कैसे काम करता है। तो देखो, आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये बिल्कुल जैसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं ना, जैसे हम ताश खेलते हैं या डेक ऑफ कार्ड जैसे बोलते हैं, तो जैसे हम वो खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ पत्ते जो हैं वो लिए हुए हैं, और इनको मैंने रैंडमली डाला हुआ है, ठीक है, रैंडमली इस तरीके से लिया हुआ है। अब लेट से मैंने पहला पत्ता उठाया, हम ऐसे ही करते हैं, एक एक पत्ता उठाते हैं, जैसे पत्ते बांटने के बाद जैसे पहला पत्ता उठाया। अब पहला पत्ता उठाया क्या है, लेट से 5। तो मैंने क्या करना है, इस 5 को हम कैसे रखते हैं, ऐसे इस तरीके से, अगर आप लेफ्ट हैंडी या राइट हैंडी इस हिसाब से आप उसको रखोगे। 5 को रख लिया, उसके बाद नेक्स्ट पत्ता आपने उठाया, नेक्स्ट कौन सा उठाया, 6। तो 6 को आप कहां रखोगे, 6 को आप इस तरीके से राइट साइड में रखोगे, राइट साइड में रखते हो ना, ऐसे अरेंज करके रखते हो। मतलब पहला पत्ता उठाया, उस टाइम पे कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, जैसे ही दूसरा पत्ता उठाया आपने एक कंपेयर किया कि ये 5 से बड़ा है या छोटा, तो बड़ा है, आपने इसको इसके राइट में रख दिया। बस इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो कौन सा पत्ता आया, 10। अब आपने क्या करना है, जब 10 को कंपेयर करना है तो आपने सिर्फ 6 से कंपेयर किया, 6 से बड़ा है तो यानी इसके राइट में डाल दिया। अब 5 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 और 6 ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जब 10 आया आपने सिर्फ 6 से कंपेयर किया और 6 के राइट में इसको प्लेस कर दिया। नेक्स्ट लेट से नेक्स्ट आया पता 4। अब जैसे ही 4 आया, आपने आपको पता है कि यहां पे 10 है, तो यानी आपने पहले कंपेयर किया 10 के साथ, तो 10 के लेफ्ट में, फिर 6 है तो 6 के लेफ्ट में, फिर 5 है तो 5 के लेफ्ट में, मतलब आपने 3 बार इसको कंपेयर किया, 4, 5, 6 तीनों से कंपेयर किया और फिर इनके बिल्कुल लेफ्ट में डाल दिया। तो इस तरीके से हम पत्तों को क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं। लेट से एक और पत्ता है 9। तो 9 जैसे ही आया तो क्या करना है, आपने बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 9 डालने से पहले जो पिछले मेरे एलिमेंट थे वो सारे के सारे क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो जैसे ही 9 आया आपने सिर्फ 10 से कंपेयर करना है और 10 के लेफ्ट में डाल देना, क्योंकि 9 जो है वो 10 से क्या है, छोटा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अरेंज करते हैं। और ऐसे ही हम करते हैं रियल लाइफ में, वही काम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट करता है, ठीक है ना। बस इस तरीके से आप इसको कहीं ना कहीं, आपको पता ही लॉकडाउन में बहुत खेले होंगे ताश, और वैसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो रह ही नहीं सकते आजकल, तो खैर ऑनलाइन चल पड़ी बहुत सारी गेम्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये चीज जरूर फेस की होगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। ये देखो, इंसर्शन सॉर्ट में लेट से हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले ये एरे, एरे जो है उसमें क्या है, 40, 20, 60, 10, 50, 30, ये हमारे पास रैंडमली एलिमेंट्स पड़े हैं। सबसे पहले कौन सा आया, 40। तो मैंने क्या करना है, यहां पे 40 को विदाउट एनी कंपैरिजन मैंने सिंपली रख दिया एरे में। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आया, 30। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, सॉरी 20। तो 20 जैसे ही आया मैंने 20 को 40 के साथ कंपेयर करना है, और अगर ये 40 से छोटा है तो मैंने क्या करना है, 20 को मैंने इसके लेफ्ट में यहां पे रख देना और 40 को मैंने इस तरफ कर दिया। गेटिंग द पॉइंट। तो यानी अब एरे कैसे दिखेगा आपका, एरे दिखेगा आपका 20 इधर आ गया, 40 इधर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 60। तो 60 को आप पहले 40 से कंपेयर करोगे, तो 40 से जब कंपेयर किया तो ये 40 से बड़ा है, तो यानी ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आया, 10। तो 10 को आप पहले 60 से कंपेयर करोगे, तो 60 से कंपेयर करोगे तो 60 से छोटा है, तो यानी 60 जो है वो यहां आ जाएगा, 40 जो है वो यहां आ जाएगा, और उसके बाद 20 जो है वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और इस पोजीशन पे जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे कौन आ जाएगा, 10। मतलब ये जो 20 40 60 एक एक आगे मूव कर गए, तो यानी एलिमेंट अब आपके बन गए 10 20 40 60। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद मेरे पास कौन सा एलिमेंट आया, देन
50, तो 50 को आपने सिर्फ 60 से कंपेयर करना है, क्योंकि उससे पिछले एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपने 50 को कंपेयर किया तो 60 आगे मूव कर गया एक, और 50 जो है वो 60 वाली पोजीशन पे आ गया। देन 30, जैसे ही 30 आया अगेन 60 से कंपेयर किया, फिर 50 से किया, फिर 40 से किया, तो ऑब्वियसली पोजीशन उसकी ये है। तो होगा क्या, 60 एक आगे मूव करेगा, 50 आगे मूव करेगा, 40 आगे मूव करेगा, और जो पोजीशन खाली होगी उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, 30 डाल देंगे। तो एरे कैसे बन जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से एरे जो है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। फॉर j इज इक्वल टू 2 टू a लेंथ, मतलब मैंने यहां पे कहां से स्टार्ट करना है, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं दोबारा। यहां से आपको स्टार्ट करना है j को इस एलिमेंट से, गेटिंग द पॉइंट। तो j इज इक्वल टू 2 टू लेंथ, लेंथ मतलब लास्ट तक ये चलेगा। a ऑफ j इज इक्वल टू की, a ऑफ j आपने क्या कर दिया, की में डाल दिया। मतलब कहने का कि पहला एलिमेंट तो कुछ था ही नहीं, उसको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, वो तो सिंपल 40 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट को आपने की में डाल दिया, लेट्स से की आपने ले ली और उसमें आपने a ऑफ j मतलब 20 को डाल दिया। अब 20 को डाल दिया, अब हमने क्या करना है, i इज इक्वल टू j माइनस 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ i इज इक्वल टू j माइनस 1, हमें एक्चुअल में ये जो न्यूली एलिमेंट आया की वाला, इसको मुझे राइट सीक्वेंस में डालना है, एग्जैक्ट जगह पे डालना है। तो i इज इक्वल टू j माइनस 1 का मतलब i की वैल्यू आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, I जो है वो इस पॉइंट पे आ गया, और J आपका ऑलरेडी आपको पता ही है इस पॉइंट पे है, ठीक है ना। J माइनस 1 मतलब I जो है वो पिछले वाले पे है। अब देखो I इज ग्रेटर देन 0, A ऑफ I इज ग्रेटर देन की। अब चेक करो यहां पे, मैं कलर चेंज कर देता हूं। I इज ग्रेटर देन 0, I की वैल्यू क्या है, 1, 1 ग्रेटर देन 0 है, यस 2, एंड A ऑफ I क्या है, 40। तो क्या 40 ग्रेटर देन की वैल्यू क्या है, 20। क्या 40 ग्रेटर देन 20 है, यस yes, दोनों वैल्यूज ट्रू है। तो एंड के केस में हम दोनों चेक करते हैं, फिर हम अंदर आएंगे। अंदर जब आएंगे तो मेरे पास दो लाइन है, पहली a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू ai, मतलब a ऑफ i प्लस 1 का मतलब कौन सा है, a ऑफ i कौन सी है, ये i प्लस 1 मतलब ये इसकी बात कर रहा है। इसमें आपने क्या डाल दिया, a ऑफ i डाल दिया, मतलब 40 आपने यहां पे शिफ्ट कर दिया, 40 आपने नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, और i इज इक्वल टू i माइनस 1 कर दिया। i इज इक्वल टू i माइनस 1 करो, i इज इक्वल टू i माइनस 1 करोगे तो i की वैल्यू क्या होगी आपकी, i की वैल्यू ऑलरेडी आपकी यहां पे क्या थी, वैल्यू 1 थी ना, तो यानी ये कहां पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। अब i की वैल्यू जब आपकी 0 पे पहुंच गई तो अब ऑब्वियसली ये लूप से बाहर आएगा, और जब लूप से बाहर आएगा तो की वैल्यू कहां डाल देगा, 0 प्लस 1 मतलब 1 वाली जगह पे, यानी 40 वाली जगह पे क्या डल गया, 20 डल गया, और 40 नेक्स्ट वाले पे चला गया। यानी जो ही मैंने आपको करके दिखाया था जैसे कार्ड्स में, बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है। तो 40 इधर आ गया और 20 इधर आ गया, 60 आपका यहां पे है, 10 यहां पे है, 50 यहां पे है, और 30 यहां पे है, गेटिंग द पॉइंट। अब ऐसे ही आपने एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 60 तो देखो ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है, एक बार कंपेयर करेगा लूप से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a ऑफ i इज ग्रेटर देन की, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स से 10 आया, अब जैसे ही 10 आया अब होगा क्या, 10 जैसे ही आया, अब देखो ध्यान से, 10 आते ही यहां पे क्या करना है आपको, ये देखो मैं आपको फिर दोबारा से करके दिखा देता हूं। 10 जैसे ही आया एरे, देखो आपके पास ये जो एल्गोरिदम है वो क्या कह रहा है, I इज इक्वल टू j माइनस 1, आप कहां पे हो, j आपका यहां पे है, ठीक है ना। a ऑफ j आपने की में डाल दिया, अब की में आपने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। अब देखो I इज इक्वल टू j माइनस 1 मतलब I आपका एक पिछले वैल्यू पे पड़ा हुआ है। अब I इज इक्वल ग्रेटर देन 0, यस, एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की, a ऑफ i क्या है, 60, 60 ग्रेटर देन 10 है, है, तो क्या करना है, a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू i, मतलब ये 60 यहां से यहां पे चला गया, ठीक है ना। a ऑफ i प्लस 1 जगह पे a ऑफ i डाल दिया, a ऑफ i क्या है, 60, तो नेक्स्ट वाले पे डाल दिया। i इज इक्वल टू i माइनस 1, i आपका जो है वो पिछली वैल्यू पे मूव कर गया, यानी 20 पे मूव कर गया। अब देखो 20 ग्रेटर देन, ये लूप में चल रहा है, ये दोनों लाइंस लूप में चल रही हैं व्हाइल में, 20 ग्रेटर देन 10 है, है, i की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी लूप दोबारा फिर चलेगा, और ये क्या करेगा, 20 यहां से शिफ्ट होके कहां चला गया, ये 20 यहां से शिफ्ट होके इस वाली जगह पे चला गया। उसके बाद देखो ऑलरेडी वैसे तो यहां पे जब हमने किया था ये एक्चुअल में 20 यहां था, 40 यहां था, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वाला जो है वो सॉर्ट हो चुका है। तो 60 एक्चुअल में यहां पे आया और
और जो 40 है वो एक्चुअल में यहां पे आया. तो जब नेक्स्ट हम करेंगे तो 20 आपका यहां जाएगा, और जब 20 यहां पे आ गया लूप से जब ये बाहर आएगा तो की वैल्यू ये i plus 1, i की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 0 plus 1 मतलब इस पोजीशन पे ये क्या डाल देगा, 10 डाल देगा. तो यानी आ रहे आपका इस तरीके से हमेशा सॉर्ट होगा. तो अगर हमने यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो सबसे पहले हम बात करें बेस्ट केस में, तो बेस्ट केस कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जब ऑलरेडी आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है. तो उस केस में देखो हम यहां पे सबसे पहले अगर कंपैरिजन की बात करें तो देखो कितने कंपैरिजन होंगे और कितनी स्वैपिंग होगी, कितने स्वैप होंगे और कितने कंपैरिजन. तो देखो कंपैरिजन देखो सबसे पहले 10 आया, 10 जब आया तो कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, जीरो कंपैरिजन. देन 20 आया तो एक बार कंपेयर किया ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है, 30 आया एक बार कंपेयर किया ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है, 40 आया राइट पोजीशन पे है, 50 आया राइट पोजीशन पे है. यानी आपको कितने बार कंपेयर करना पड़ेगा, n minus 1 times compare करना पड़ेगा. और swapping देखो कितनी हुई, क्या यहाँ पे कोई swap करने की जरूरत है, नहीं, मतलब मेरे को यहाँ पे 0 swapping जो है वो चाहिए. यहाँ पे time complexity आप best case में क्या निकाल सकते हैं, order of n लिख लो इसको, क्यों, क्योंकि n minus 1 को हम order of n लिख सकते हैं, upper bound है, upper bound की value क्या होती है, order of n. तो ये point याद रखना, it is a very very important point, best case of insertion sort is order of n. और swapping क्या हुई, swapping order of 1 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई swapping हुई नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना. देन हमारे पास आता है यहां पे वर्स्ट केस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे अपर बाउंड पूछ लेते हैं, तो अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज अ वर्स्ट केस. लेकिन बेस्ट केस भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में. अब देखो वर्स्ट केस में 10 20 30 40 50 60 अगर हम बात करें यहां पे वर्स्ट केस में, तो वर्स्ट केस जो होगा वो इससे उल्टा, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो इसको गलत कह देना. क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस इसका बनेगा ये descending order. तो descending order इसका क्या है, worst order है. तो अब देखो इसमें देखो 60 जो है, again हम compare करेंगे और swap find out करेंगे. तो पहले case में तो obviously compare करने की जरूरत ही नहीं है, swap करने की जरूरत ही नहीं है. next 50 आया, एक compare किया एक स्वैप किया, क्यों, क्योंकि 50 इधर आ जाएगा 60 इधर आ जाएगा. नेक्स्ट 40 आया, तो 40 के केस में क्या करोगे, जैसे ही 40 आया दो आपने कंपैरिजन किए, क्यों, 60 के साथ 50 के साथ, और स्वैपिंग भी कितने हुए, 2, कैसे, 60 इधर आएगा 40 इधर और फिर 50 इधर आएगा, तो वही आपके दो, इस तरीके से 3 3, यानी अप टू कितने होंगे, n minus 1, यहां पे अप टू n minus 1 स्वैप. तो ये क्या बन गया आपका, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus अप टू n minus 1, यानी 1 2 3 अप टू n minus 1. तो ये आपकी सीरीज बन गई, और इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, n into n minus 1 divide by 2, तो यानी order of n square इसको लिख सकते हो. क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, n square minus n divide by 2. तो इनमें से जो बड़ी टर्म है, जो डोमिनेंट टर्म है, वो n square है, तो हम इसको order of n square लिखते हैं. तो comparison order of n square, swapping order of n square, तो जिसको हम 2n square लिख सकते हैं, लेकिन अगेन इसको order of n square ही लिख सकते हैं. It is again a very very important point, इसको याद रखना, descending order के केस में worst order और ascending order के केस में best order. और average case की बात करें तो average case में again आपकी n square ही बनेगी, क्योंकि best case जो है वो ज्यादा important है. अब देखो worst case में n square comparison, n square swap, मैंने आपको proof करके दिखा दिया. best case में n comparison, order of 1 swap, ये भी आपको proof करके दिखा दिया. average case में same ही रहेगी जो worst case में है. last में यहाँ पे insertion sort is stable. स्टेबल का मतलब सिंपल ये पॉइंट होता है कि जो रिलेटिव ऑर्डरिंग है ना सिमिलर एलिमेंट्स की, मतलब जो नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी ऑर्डरिंग में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. कैसे, लेट्स सी, अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूं, 5 2 3 5 1, लेट्स सी यहां पे दो 5 है, ठीक है ना. अब होगा क्या, जैसे ही मैंने पहला 5 आया, पहली 5 आया तो मैंने उसको पोजीशन पे डाल दिया, 2 आया तो उसके लेफ्ट में कर दिया, ठीक है ना, 2 यहां 5 यहां. अब इसको ऐसे दे दो, 5a नाम रख दो इसका, 5b, मतलब कहने का यहां पे दो सिमिलर एलिमेंट है, अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब अब a इधर है और b इधर है, अगर b इधर आ जाए और a इधर आ जाए, मतलब रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सिमिलर एलिमेंट अगर चेंज हो गया तो मींस वो स्टेबल नहीं है. लेकिन यहां पे देखो 2 इधर आ गया, 5 है इधर, अब next 3, B, next जैसे 3 आया तो क्या करोगे, 2 इधर, 3 इधर, 5 है इधर, 5B इधर, 1, अब जैसे next 5B आएगा वो 5B यहीं रहेगा, मतलब 5B इसके right में ही रहेगा, पहले भी right में था अब भी right में ही है, next 1 आया तो 1 यहां, 1, 2, 3, 5A, 5B, तो यानी जो 5A left में था last में वो left में रहेगा, तो यानी इनकी ordering change नहीं होगी. तो relative ordering अगर similar elements की change नहीं होगी means it is a stable. और in place का मतलब क्या है,
है, क्या ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है इंसर्शन सॉर्ट? नहीं, जो एरे हमें दिया होगा उसी एरे में क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, स्वैप कर रहा है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल जैसे की है ये एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ वन ही आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आप कोई एन साइज का सिमिलर साइज का एरे नहीं ले रहे, जैसे मर्ज सॉर्ट वगैरह में लेते हैं, यहां पर वो चीज नहीं कर रहे। और लास्ट में एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, छोटे छोटे पॉइंट जो है ना कई बार एग्जाम्स में इंटरव्यूज में काफी पूछ लेते हैं, तो इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसको ऑनलाइन भी बोलते हैं, ऑनलाइन एल्गोरिदम। ऑनलाइन एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि जैसे ही एलिमेंट आया, एलिमेंट आते ही ये क्या करता रहता है, सॉर्ट करता रहता है, ये वेट नहीं करता जैसे सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह में या मर्ज सॉर्ट में, वो पहले वेट करता है जब तक सारे एरे को ट्रैवर्स करेगा, सारे एरे को मूव करेगा, फिर जाके सबसे छोटे एलिमेंट को आगे लेके आएगा। बबल सॉर्ट में क्या करता है, पूरे एरे को एक पास में जाके सबसे जो बड़े एलिमेंट को लास्ट में लेके आता है, लेकिन ये क्या करता है, तुरंत काम करता है। ऑनलाइन का मतलब इमीडिएटली, जैसे ही एरे दिया, जैसे ही एलिमेंट आया, नेक्स्ट एलिमेंट को तुरंत आपने वहां पे अरेंज करके लगाना स्टार्ट कर दिया, ये इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑनलाइन एल्गोरिदम। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्शन सॉर्ट। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पीपीटी मैंने छोटी सी बनाई है 4-5 स्लाइड की, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।